ठीक है, तो आपने क्या बनाया था पहले? एप्पल ड्रॉ किया था, और ड्राइंग भी देखो मैं पेंसिल कितना दूर पकड़ती हूँ, दिख रहा है ना? पहले देख लो कितना लाइटली मैं ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा वापस। दिखने में था। दिखेगा, सब दिखेगा, इतना ही लाइट आप लोगों को ड्रॉ करना है ताकि ना दिखे, सिर्फ आपको ही दिखे, ठीक है? आपका स्क्रीन तो और खोलो। कौन अरे सा स्क्रीन? वो वाला ये वाला स्क्रीन ओपन करने की जरूरत नहीं है ना, आप इधर देखो, इधर ध्यान दो जो दिखा रही हूँ, ये देखो बहुत लाइटली मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है? चलो यॉन ही कर देते हैं। अभी दिख रहा है ना एप्पल है ये? हाँ। पर फिर इसका क्या करना है? अच्छा, इसका कौन सा? उसका बताती हूँ ना आपको, फिर क्या करना है देखो। ये हमने एक बार फर्स्ट जस्ट इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है? अभी धीरे धीरे रिफ्लेक्शन कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पे डार्क शेडो होना चाहिए वो समझना जरूरी है, ठीक है? सोचो आपको जो ड्राइंग दिया था मैंने, ये देखो ये ड्राइंग दिया था, करेक्ट? ये वाला, तो इसमें देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, करेक्ट? ये जगह हाँ। पे, मतलब यहाँ पे लाइट आ रहा है और बाकी एरिया डार्क है, तो लाइट एरिया के बाजू में ना हमेशा एक सॉफ्ट शेडो रहना चाहिए। ये जगह जैसे व्हाइट पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके बाजू में जो शेडो रहेगा ना वो भी थोड़ा हल्का होगा, और ये जितना अंदर की तरफ जाता है उतना डार्क होता है, जैसे कि नीचे की तरफ डार्क, और ये डार्क ही जितना ऊपर की तरफ आता है ऐसे दिख रहा है नहीं, लेकिन क्या होता है ये धीरे धीरे लाइट होते होते ऊपर और लाइट होता जाता है। आप जब ये कलर कर रहे थे ऑयल पेस्टल, तब मिक्सिंग कैसे कर रहे थे? डार्क टू लाइट मिक्स करते हो ना? जस्ट डार्क वैसे ही सोचो, स्केच में भी वही चीज सोचो, आप जस्ट जो जगह एकदम डार्क होना चाहिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, तो और खुद का भी शेडो देखोगे क्या होता है, जहां पे आपका रिफ्लेक्शन आता है ना, सॉरी जो शेडो आता है ना उसके ठीक नियर बाय एरिया में देखना, जो शेडो फॉर्म हुआ है वो शेडो के बाजू में बहुत हल्का एक शेडो रहता है, एक कोर रहता है पूरा डार्क, और उसके बाजू में एक हल्का सा एक लेयर जैसा लगता है, थोड़ा जो ब्लैक है तो थोड़ा ग्रेइश कलर का एक लेयर लगेगा, तो इस टाइप का होता है। तो हम लोग इसको भी एक बार करते हैं, ये वाला स्केच को हम लोग बनाते हैं। देखो जो जो एरिया डार्क होना चाहिए जबरदस्ती पेंसिल नहीं घिसेंगे, ठीक है? और पेंसिल को भी जैसे हम लोग ऑयल पेस्टल में कर रहे थे शेप वाइज कलर करते थे, वैसे ही इस पे भी हम लोग शेप वाइज पेंसिल को चलाएंगे। तो शेप वाइज चलाने का मतलब क्या है कि हम लोग इस चीज का जो फील है वो फील को समझ पाएंगे, ठीक है? ये पकड़ने से जो राउंड शेप है वो राउंड शेप को समझना जरूरी है, तो वो फील लाने के लिए हमेशा शेडिंग भी शेप वाइज करना चाहिए। देखो पहले बहुत लाइट हम लोग करेंगे, ये फर्स्ट लेयर हो गया, ठीक है? जो पोर्शन व्हाइट छोड़ना है वो जगह हम लोग व्हाइट छोड़ देंगे, और बाकी का एरिया ऐसे लाइटली पहले फील करेंगे। और देखो पेंसिल को मैंने कैसे पकड़ा है, एकदम टिल्टेड पकड़ा है, ठीक है? स्ट्रेट नहीं पकड़ी हूँ, और शेप शेप को फॉलो कर रही हूँ, ये जो कर्व शेप है तो इधर जितना जा रहा है तो वहां पे मैं कर्व शेप को ही फॉलो कर रही हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट लेयर हमारा इतना लाइट हो गया, आप मेरे साथ करते रहो, इसके बाद मैं उसके बाद बताऊंगी, इतना तक करो ये फर्स्ट लेयर का काम।
फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी आपको। अरे आप इतना अच्छा कैसे कर लेती हो? बेटा मैं रेगुलर करती हूँ ना, आप भी रेगुलर करोगे आप बहुत अच्छा बनाओगे, मुझसे भी अच्छा बनाओगे आप जितना प्रैक्टिस करोगे। करो ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट करो, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी। चलो स्टार्ट करो। और देखो बेटा ये अगर एप्पल ड्राइंग में भी प्रॉब्लम होता है ना, इसको ऐसे देखो बीच में पेंसिल रखो, देखो दो पार्ट को देखो दोनों साइड, ठीक है? तो अगर सिमिलर है तो ठीक है, अगर सिमिलर नहीं है तो ये लाइन के हिसाब से आप दोनों जगह को सिमिलर कर सकते हो, इधर कम ज्यादा हो गया वो ठीक कर सकते हो। चेक कर लो एक बार आपके ड्राइंग को भी। करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर पे आपका शैडो इतना लाइट ही होना चाहिए, एकदम जबरदस्ती पेंसिल को घिसना नहीं है, ठीक है? देखो मैंने पूरा ग्रे ही कर दिया है, कुछ शैडो नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, एकदम एक ही जैसा पूरा ग्रे का ग्रे लुक ही दिखेगा फर्स्ट लेयर पे। डार्क लाइट कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो जगह व्हाइट छोड़ना था वहां पे मैंने व्हाइट छोड़ दिया है, ये वाला एरिया। करो आप यहां तक। चलो अभी वन बाय वन लेयर बाय लेयर वर्क करेंगे ना। तो ये तो हमने फर्स्ट लेयर किया, अभी आते हैं नेक्स्ट पे। यही चीज अभी जो किया ना आपने, इसको ही वापस रिपीट करो। देखो कोई जगह पे जब शैडो करना होता है ना, जरूरी नहीं है कि वहां पे बहुत पेंसिल को प्रेशर दे के आप डार्क करने की कोशिश करो, आप वही जगह पे बार बार रिपीट करो, देखो डार्क होता जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके जितना आपने बनाया वहां पे आपको रिपीट करना है वापस, ठीक है? मैं एक बार आपका आपको जो फोटो भेजा था वो मैं एक बार देख लेती हूँ वो कैसा दिया था। मैं एक और एप्पल का बुक पेज बनाया है। ठीक नहीं, जो काम करो उस पे कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, वही करो पहले, उसके बाद दूसरा कुछ। अभी देखो जहां जहां पे डार्क होना चाहिए, ये तो हमने ग्रेश लुक दे दिया एक बार, अभी हम लोग इस पे थोड़ा डार्क करते हैं। अच्छा तुमको अगर वो यूज देखना है मैं एक बार दिखा देती हूँ, कर लो चलेगा। ये जो हमने फर्स्ट लेयर बनाया था ना उसको भी तुम मर्ज कर सकते हो। देखो आपका टूल्स को ऐसे पकड़ो, एक निकालो आप, थ्री नंबर निकालो, कौन सा नंबर? थ्री। थ्री नंबर, थ्री। ठीक है अभी देखो मैं कैसे यूज कर रही हूँ, पहले देखो। दोनों सेम है? दोनों सेम साइड है? देखो देखो बहुत सॉफ्टली यूज करना है, हाँ बहुत सॉफ्टली यूज करना है, जोर जबरदस्ती प्रेशर देके यूज नहीं करना है, ऐसे सॉफ्टली जैसे इसका शेप है शेप वाइज चलाना है इसको भी, ये टूल को भी शेप वाइज चलाना है, ठीक है? ये क्या है? देखो ये मर्ज हो रहा है, आपने जो पेंसिल का कलर है ना, पेंसिल का जो ये है वो देखो मर्ज हो रहा है अच्छे से, दिख रहा है आपको? हाँ देखो कितना अच्छे से मर्ज हो गया, तो शेप वाइज आप इसको मर्ज करो इससे आपके टूल से। देखो इसको भी मैं टिल्टेड पकड़ रही हूँ, ठीक है?